स्वामी जी आपको प्रणाम कर रहे हैं नाना जी। स्वामी जी है नाना जी। आपको प्रणाम कर रहे हैं नाना जी, आपके पास है दर्शन करने के लिए आया हूँ जी, प्रणाम करने के लिए आया हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। हम तो स्वामियों की स्वयं वंदना करते हैं। स्वामियों को आशीर्वाद देने की नहीं, उनको वंदना करने की हमारी क्षमता है। बड़प्पन है आपका, आपका बड़प्पन है प्रभु, महानता है आपकी। वैसे यहाँ रहे, कहाँ रहे, आपका केंद्र कहाँ है? हूँ तो जी दिल्ली में, वैसे कहीं भी नहीं जी, घूमता फिरता रहता हूँ जी। अच्छा जी जी जी। राम नाम जपता हूँ जी, राम नाम जपने के लिए सबको प्रार्थना करता हूँ जी। अच्छा। बस इतना ही काम है जी। अच्छा। आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं जी, आपके सामने देख के तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करता जी, लेकिन आपका तो देख के जी इतना व्यापक सब कुछ, बहुत बहुत आनंदित हुआ जी, बहुत बहुत प्रभावित। तो भगवान की प्रेरणा है जी 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 जी। तो भगवान जो कहता है करते रहते हैं जी 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 जी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक महाराज जी, बैठ बिल्कुल ठीक। कब आए हम? मैं आज ही आया हूँ जी, आज ही यहाँ आया हूँ जी। कहाँ ठहरे आप ही के यहाँ जी? कैलाश में ठहरे नाना जी। कहाँ? कैलाश। कैलाश कुटीर नाना जी, कैलाश। आपका मेहमान जी, आपका अतिथि। हमारा कोई मेहमान नहीं, जाते हैं उनका उनका स्थान है जी, हमारा कोई स्थान जी जी। बाबा बहुत छोटा हूँ इसलिए आशीर्वाद मांगने का अधिकार है जी मुझे, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा जीवन भी आपकी तरह सार्थक हो। लंबा जीवन तो बहुत जीते हैं जी, लेकिन सार्थक तो बहुत कम। आपके क्या आयु है? हाँ जी, आपकी आयु क्या है? 70 साल की जी। 70 साल जी जी जी। बहुत महान है आप, बहुत महान है आप। अब तो अंधा है, दोनों आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। आपने राम दर्शन देखा? आपने राम दर्शन देखा? अभी अभी नहीं, अभी अभी जाएंगे नाना जी। हाँ? अभी जाएंगे। अच्छा। स्वामी का स्वामी जी का कहाँ जाए? दिल्ली से पधारे हैं, दिल्ली से। मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा स्वामी जी का दिल्ली। नंदिता जी नाना जी,
अर्जुन ने क्या सो रही है? जी नाना जी, मैं लेके आ रही हूँ, दर्शन करा दूँ। जी मैं ले आ रही हूँ। स्वामी जी से तुम्हारी भेंट कर दूँ। कि आ रही है दीदी? आ रही नाना जी, नंदिता से पूछ रही है। अभी बिटिया को लेके आ रही है। पता कैसे चला ये भरत जी? भरत जी के माध्यम से। भरत जी के माध्यम से आए हैं। भरत जी के वहाँ परिचय हुआ? हाँ जी, भरत जी के छतरपुर में मित्र हैं अरुण जी, बब्बू भैया। बब्बू जी छतरपुर से आए हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी, नाना जी, स्वामी जी आपके पैरों पे हाथ रखे हुए हैं। पैर दबा रहे हैं स्वामी जी महाराज आपके। क्या स्वामी जी आपके पैर दबा रहे हैं? ये नजी अपूर्वा, ये भरत जी की बड़ी बेटी है, ये छोटी बेटी है? बेटा पैर स्वामी जी यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से सतना, रीवा और नागौत कार्यक्रम है महाराज जी के। रीवा जेल में कार्यक्रम एक, उसके बाद फिर सतना में, फिर नागौत में है जी, फिर वापस दिल्ली चले जाएंगे। मैं भी नाना जी पहले स्वदेश में रहा हूँ, मेरा नाम नवल गर्ग है, स्वदेश ग्वालियर में मैं भी रहा हूँ पहले। स्वामी जी को दूध पिलाओ। जी ना जी, नहीं सकता, पर
की ही प्रार्थना करूँगा कि इतना महान कार्य करने वाले व्यक्ति को परमात्मा का बहुत बल चाहिए, प्रेरणा मिलती होती है, बल भी जो है चाहिए। सो कभी भी वो इनको जरूर प्रार्थना किया कीजिएगा बाबा मुख से राम 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 करते रहिए। स्वामी सत्यपुर जी महाराज महात्मा गांधी से मिले थे शिमला में, तो उन्हें कहा, दोनों एक ही कोठी में बैठे हुए थे, कहा गांधी जी आपको राम नाम बहुत विश्वास है मुझे पता है, आप राम नाम जपते हो मुझे ये भी पता है, राम नाम से आपको बहुत बल मिलता है मुझे ये भी पता है, भीतर बैठा है आपको प्रेरणा देता है, आपका कहना कि गीता मेरी माँ है और राम नाम मेरे बाप है, ये गांधी जी के शब्द हैं, बिल्कुल सही है। मैं एक निवेदन करता हूँ, स्वामी जी ने कहा गांधी जी राम राम जपो पर नियमित रूप से जपो, आप नियमित नहीं जपते, नियमित जपो तो आपको बहुत लाभ। तो गांधी जी ने स्वामी जी महाराज के साथ प्रॉमिस किया कि आज जी नाना जी यही है नाना जी हम जी हाँ जी ले रहे हैं हम जी नाना जी आपके बिस्तर पे है वो। अच्छा। स्वामी जी का दर्शन कर लिया, वो राम राम भी की नाना जी हाथ से, वो दोनों हाथ जोड़ के राम राम की। अच्छा। वो बता रही है वहाँ है वो। आवाज सुने वो बोल रही है नाना जी अपूर्व अनन्या जी चिल्ला रही है नहीं रो नहीं रही है खेल रही है जी हमारे पुस्तक पर है जी हाँ गीला नहीं करेगी बोलो नाना को बोलो हम हैं आपके पास नाना जी स्वामी जी निकलना चाहते हैं नाना जी बब्बी भैया स्वामी जी की तरफ से आपको ये दे रहे संस्थान के लिए कुछ अपने संस्थान के खर्चों के लिए नाना जी पैसा दे रहे हैं बब्बी भैया की तरफ से स्वामी जी ने दिया आपको